हाय गाइस, अभी जो आपने प्रीव्यू पर रील्स वीडियो देखा, इस टाइप की ट्रांजिशन रील्स वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। अगर आप भी इस टाइप की ट्रांजिशन रील्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हो तो आज की वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। आज की वीडियो में मैं आपको एकदम कैसे वीडियो को शूट करना है, कैसे एडिट करना है, सब कुछ सिखाना हो। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप पर बात करते हैं वीडियो को कैसे शूट करना है। तो वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल को आपको क्या करना है, कोई भी एक जगह पर सेट कर लेना है। यहाँ पर आप ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, चार वीडियो क्लिप शूट करना है। तो फर्स्ट क्लिप आपको कुछ इस टाइप से शूट कर लेना है। फर्स्ट क्लिप शूट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको हेलमेट लगा लेना है और वहाँ पर ही खड़ा रहना है। तो सेकेंड क्लिप को कुछ इस टाइप से आपको शूट कर लेना है। सेकेंड क्लिप शूट करने के बाद आपको कुछ स्टेप से थर्ड क्लिप को शूट करने के लिए कुछ स्टेप से जंप करके शूट कर लेना है। और फोर्थ क्लिप, यहाँ पर आपको बिना एक पैर हिला के बाइक को सेट करना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेप से जंप करके शूट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको फर्स्ट टाइम VPN कनेक्ट करना है। VPN कनेक्ट करना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कैपकट इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप चार वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको म्यूट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लिप को ये वाला पोजीशन पर आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको डिलीट कर लेना है और सेकेंड क्लिप की ये वाला पोजीशन पर कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको डिलीट करना है। अभी देख सकते हो यहाँ पर वीडियो पूरा मिल चुका है। अभी थर्ड क्लिप की ये वाला पोजीशन पर आपको कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है। और फोर्थ क्लिप की ये वाला पोजीशन पर आपको कट करके डिलीट कर देना है। लास्ट में जो वाटरमार्क है इसे भी आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको एक बाइक की PNG ऐड करना है। बाइक की PNG ऐड करने के लिए आपको ओवरली पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड ओवरली यहाँ पर क्लिक करना है, फोटो पर जाना है और बाइक की PNG को ऐड कर लेना है। आपको थर्ड क्लिप के लास्ट में PNG को ऐड करना है। अभी आपको PNG को एकदम छोटा कर लेना है और की फ्रेम ऐड करना है और PNG को बड़ा करना है। कुछ स्टेप से आपको कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी PNG की एक्स्ट्रा पार्ट बचेगी उसको आपको डिलीट कर देना है। अभी यह हम वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। अभी आपको ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो ऐड करने के लिए आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। ऐसे आपको जिस वीडियो की ऑडियो को ऐड करना चाहते हो बस उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑडियो ऐड हो जाएगी। ऑडियो ऐड हो जाने के बाद आपको वीडियो के साथ ऑडियो को मिला लेना है। उसके लिए आपको मेन वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्पीड पर जाना है। स्पीड पर जाने के बाद आपको स्लो मोशन फास्ट करके आपको वीडियो के साथ ऑडियो को मिला लेना है। मिला लेने के बाद अभी आपको एक इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लाइट इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्लोट लाइट इसको आपको ऐड करना है।
वीडियो के लास्ट में और एक बॉडी इफेक्ट ऐड करना है। आपको क्लिक करना है इफेक्ट पर, उसके बाद आपको बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट अच्छी लगे बस उसको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट ऐड करूँगा, तो साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी जो ऊपर एरो है उसके ऊपर क्लिक करके आपको वीडियो को सेव कर लेना है। अभी आपको फिर से अभी सेव किया हुआ वीडियो को ऐड कर लेना है। अभी आपको केफ्राम ऐड करना है, तो आपको वीडियो को जूम आउट जूम इन करके आपको केफ्राम ऐड करना है कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। तो केफ्राम ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपली वीडियो को सेव कर लेना है। तो अभी हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, तो अभी फाइनल रिजल्ट देखो।